वेलकम फ्रेंड्स टू दी अनदर वीडियो। तो इसके अंदर मैं दो वेज बताऊंगा, एक है फास्टेस्ट वे और एक है इजीएस्ट वे कंप्लीट करने का ये वाला पार्ट। तो पहले इजी वे बताया जाता है, तो सिंपली जैसे ऊपर आ गए तो ये चेयर के ऊपर बैठ जाना और एकदम कॉर्नर पे। इस बिगिनर्स के लिए बता रहा मैं, जिनको अभी तक हैमर पे पूरा कंट्रोल नहीं बैठा है उनके लिए, तो सिंपली पुश देना है। ओप्स, मेरा फास्टेस्ट वे में हो गया यार एडजस्ट, इसलिए थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैच करने के बाद स्लोली स्लोली क्लोज जाना है इसके, और बैठने के बाद इसको सिंपली पुश कर देना है। ये इजी पार्ट है यहाँ तक के। तो इसके बाद डिफ़िकल्टीज थोड़ी सी लगती बंदों को, क्योंकि नीचे गिरने का डर रहता बहुत से लोगों को। तो यहाँ पे जिन बिगिनर्स है वो तो ऐसा भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हैमर रख दो, जो मैं स्टार्टिंग में ऐसे कंप्लीट करता था। तो सीधे पुश, छोटा सा पुश और एक कैच कर लेना, और नेक्स्ट स्लोली 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 क्लोज चले जाना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद एकदम कॉर्नर पे हैमर रखना और इतना थोड़ा सा ऊपर आ जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पुश हो जाता। और फिर गलत जंप ले लिया था मैंने, फिर से बताता। स्लोली, ज़्यादा लंबी जंप नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं चले जाना, क्योंकि यहाँ से स्लिप होता है हैमर नीचे की तरफ, और जल्दबाजी किया तो ज़्यादा ही जल्दी बस कैच करके रुक जाना है। और फिर ऊपर धीरे धीरे स्लोली स्लोली चढ़ते जाओ, हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके बाद का पार्ट इजी है, मतलब इतना हार्ड नहीं है। सिंपली यहाँ पे कमोड़ के ऊपर बैठने के बाद सिंपली जंप ले लो और कैच कर लेना जो भी नीचे का पार्ट हो या ऊपर का, और स्लोली स्लोली हैमर को गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ आ जाओ। और इसके बाद का तो एक्सप्लेन करना नहीं है, ख़त्म। और इसके आगे मैं जाने नहीं वाला, वापस चल। अब आता फास्टेस्ट वे। अरे यार किधर से किधर निकल लिया मैं। अब फास्टेस्ट वे पे आते, यहाँ पे आना था मेरे को, एक वापस यहाँ से जाते आता क्या, एक बार ट्राई करते सिर्फ एक बार। अरे हो चुका था, मज़ा आया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे को वहाँ पे जाने की, ये तो ऐसे करते हैं। अब आता फास्टेस्ट वे कंप्लीट करने का। इजी वे तो बता दिया, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका कंट्रोल सेट नहीं हुआ है हैमर पे उनके लिए था ये। तो इजी वे एक और बार एक्सप्लेन कर देता मैं। तो यहाँ पे सिंपली हैमर रख देना है, छोट पुश लेने के बाद यहाँ तक के तो जम जाता, और फिर सोफे के ऊपर चढ़ जाना है। सोफा होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा क्लोज जाके छोटी सी पुश और ये कैच कर लो। पुश मत दे देना, बेड के ऊपर टक्कर दे के नीचे गिर सकते, और ऊपर बैठ जाओ। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे हैमर रखे एकदम कॉर्नर पे, और राइट की तरफ होना चाहिए बस, और बस कैच कर लो इसको और ऊपर चढ़ जाओ, यही है। और स्लोली स्लोली जिनको हैमर पे सेट नहीं है स्लो करो और पुश दे दो, और ये कैच नीचे भी कैच आ सकता है ऐसे, तो भी वो भी इजी है ये कुछ ऐसा। और धीरे धीरे करते हुए ऐसे कंप्लीट कर लो। ये हो गया इजी वे और स्लो वे। अब बताऊंगा फास्ट वे, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती, बहुत की जनों से प्रैक्टिस नहीं होंगी। तो पहले प्रैक्टिस कर लो ऐसे में 3-4 बार कंप्लीट करने की, तो ही फिर ये ट्राई करना फास्टेस्ट वे, क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते तुम्हारे उस टाइम फास्टेस्ट वे में। ये देख लो, अगर तो गिरने की तैयारी होंगी तो ये ट्राई करना फास्टेस्ट वे। तो यहाँ पे हैमर रख देना है और पुश देना है और लेफ्ट आ जाना है, जहाँ पे मैंने हैमर मारा वहीं पे देना है, फिर कैच। और जैसे इजी वे में मैं स्लोली स्लोली क्लोज जाने को बोलता है,
तो यहाँ पे सिंपली स्लोली हैमर गोल घुमाते रहना है बस। उप्स, यहाँ कभी कभी कैच भी नहीं होंगे जल्दबाजी में, तो स्लोली स्लोली करना है इसको भी, बस गोल गोल घुमाना है। ये भी प्रैक्टिस, जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता वैसे। और यहाँ से सिंपली ये वाला पार्ट थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे चढ़ने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हैमर यहाँ पे पहुँच जाता, देख लो पुश करके लेफ्ट के ऊपर इजीली आ जाने, कुछ समझाऊंगा। तो ये वाला, ये जो जगह है ना, यहाँ पे हैमर रख सकते हैं अपन कैच करके, जिससे कि ऐसे करेंगे। एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताया कुछ ऐसा, बस इतना ही। और प्रैक्टिस होने के बाद ऑटोमेटिक ही जमते रहेंगे वो इजीली। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। वैसे मैं न्यू वर्ल्ड बनाने की सोच रहा माइनक्राफ्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले तो इसके ऊपर डालूँगा कि हाउ टू कम्प्लीट ऑरेंज हेल, जो कि बहुत से लोगों से कम्प्लीट नहीं होता, तो वो भी बताऊँगा कैसे कम्प्लीट करना है। और ये जो स्टेप यहाँ से जो गिरा हूँ, इस बार नहीं गिरूँगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कैसे कंप्लीट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को अच्छी एंडिंग लाने के लिए। अरे कर दे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़। इस बार अगर इसने कंप्लीट कर लिया तो समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया। तो 3, 2, 1 बाय। मैं नहीं कर रहा, तुमने किया ही नहीं लाइक, ठीक है इस बार एक और बार ट्राई कर रहा, लाइक करके आओ जल्दी से, इस बार पक्का कंप्लीट हो जाएगा। 3, 2, 1 कर दिया शायद तुमने सच्ची में लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जल्दी 500 सब्सक्राइब करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।